नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। इसराइल और फलिस्तीनी के बीच एक बार फिर यरूशलेम को लेकर बड़ी ही हिंसक झड़प हुई है। 170 से ज्यादा फलिस्तीनी इजरायली पुलिस के कार्रवाई में घायल हुए हैं। इजरायली पुलिस ने अलक्सा मस्जिद पर कार्रवाई की और कब्जा किए गए पूर्वी यरूशलेम में नमाजियों को तितर बितर कर दिया। इससे पहले कई हजार फलिस्तीनी नमाजी रमजान के आखिरी जुम्मे पर मस्जिद पहुँचे थे और इसराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन से फलिस्तीनी लोगों को निकालने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए बाहर उठे। इससे पहले पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते 9 फलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि इसराइल ने कोरोना का वैश्विक स्थिति का फायदा उठाकर फलिस्तीनी जमीन पर कब्जा केस कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से यरूशलेम में फलिस्तीनी लोगों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो रही है। पवित्र स्थल यरूशलेम पर मुस्लिम और यहूदी दोनों ही अपना दावा करते हैं और यही इसराइल और फलिस्तीनी के बीच झगड़े का बड़ा कारण है। Oh, my God.